दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही क्षेत्रीय दल भी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। पार्टियां जनता को रिझाने और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के दावे और प्रचार के तरीकों को अपना रही हैं। इस बीच नेताओं का आया राम गया राम की कहानी भी खूब हो रही है। तमाम नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का क्रम भी जोर शोर से चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेता अपने अपने दलों से निकलकर दूसरे पार्टियों में शामिल भी हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट नेता कुमार विश्वास पर भी अपनी पार्टी को छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि कुमार विश्वास के मन में क्या चल रहा है और इस बार उनकी कविताओं में किस पार्टी का नाम शामिल है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋतु। आप जुड़ चुके हैं टाइम्स ऑफ टुडे के साथ। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कुमार विश्वास पर अब भाजपा का विश्वास बढ़ने लगा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रसिद्ध कवि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी सार्वजनिक मंचों पर कविता गुनगुनाते सुने जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके भाजपा के पाले में खड़े होने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो ये प्रस्ताव कुमार के सामने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रखा है। तिवारी ने सोमवार को विश्वास के साथ बैठक की थी, जिसमें विश्वास ने कहा था कि चीजों को सही दिशा में रखने के लिए उन्हें एक और बैठक करनी होगी। आपको बता दें दोस्तों कि अब केजरीवाल से तलखी बढ़ने के बाद अब कुमार विश्वास का भाजपा के साथ आने की संभावना जताई जा रही है। अपने ट्वीट से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर उनकी कविताएं व ट्वीट की भी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से उनकी मित्रता भी पुरानी है। उनके नजदीकी कपिल मिश्रा पहले से आपके खिलाफ बगावत करके अब मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चला रहे हैं। होली के दिनों की उनकी कविताएं से भी उनके भाजपा के नजदीक जाने के कयास लग रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा विश्वास को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने का विचार कर सकती है, क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता है और अपनी कविता के माध्यम से जनता को बांधे रखते हैं। बता दें कि कुमार विश्वास पिछले वर्ष से ही आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई थी और विश्वास को उम्मीद थी कि पार्टी उनकी राज्यसभा का टिकट देकर सांसद बनाएगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करके तीनों सीटों पर संजय सिंह के साथ एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता को टिकट देकर राज्यसभा के लिए नामांकित किया था। गौरतलब है कि विश्वास आपके संस्थापक सदस्यों में शुमार है और वो अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन के दिनों से जुड़े थे। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कुमार विश्वास को उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों को शुमार अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा था। तो दोस्तों, कुमार विश्वास का आपको छोड़कर भाजपा में आने का फैसला सही होगा या गलत, और क्या आप भी उन्हें बीजेपी में देखना चाहते हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर लिख भेजें, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल टाइम्स ऑफ टुडे के साथ।